दोस्तों नमस्कार, YouTube के अद्भुत जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस बार हम कुटकी के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों कुटकी बहुत गुणकारी और नायाब औषधि है। कुटकी अति तिक्तता होती है, इसी गुण के कारण ही है। रसेंद्रियों को उत्तेजित करके लार ग्रंथि व आमाशय ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाती है, जिससे खूब पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख बढ़ती है तथा पाचन तंत्र की क्रियाएं भी तेज होती हैं। यह रक्त की कमी, पांडु, कामला, रक्त दोषों, खून की कमी, कुष्ठ, चमड़ी के रोगों, प्रमेह आदि रोगों में खूब लाभ करती है। यह बूटी एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त है, अतः कृमि नाशक बूटी है। यही नहीं, आम दोषों जो आमाशय उत्पन्न होती हैं, आमाशय में उत्पन्न होती हैं, का पाचन करके ज्वर बुखार का नाश करने में भी उपयोगी कही गई है। कुटकी बूटी के गुणों पर प्राचीन महान विद्वानों, ऋषि महात्माओं ने खूब शोध किया है और इसके गुणों का खुलकर वर्णन किया है। यही नहीं, आधुनिक शोधों में भी विद्वानों ने इसके गुणों को जांच परख कर इसे कटु पौष्टिक यानी बिटर टॉनिक कहकर पुकारा है। इसे बुखार नाशक और पित्त रस को शांत करने, निवारण करने की शक्ति से युक्त पाया है। दोस्तों अगर इंद्रलुप्त रोग हो गया है, सिर के दाढ़ी मूछ के बाल उड़ गए हैं, जगह जगह से उड़ गए हैं, गोल चकते बन गए हैं, तो कुटकी को कड़वे पटोल पत्र के रस में 7 पीस कर लेप बनाकर लगाने से गंज जो है नाश हो जाती है और बाल पुनः उगाते हैं। दोस्तों कुटकी बूटी सभी प्रकार के ज्वरों को, बुखारों को दूर करने में नायाब है, अतः यहाँ विभिन्न ज्वरों का प्रयोग जो उनका वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। दोस्तों अगर सामान्य ज्वर है जिसमें विशेष लक्षण नहीं होते, तो कुटकी, अतीश व गिलोय का क्वाथ पिलाने से सामान्य ज्वर का नाश हो जाता है। दोस्तों अगर पित्त विकृति के कारण बुखार चढ़ा है, तो कुटकी चूर्ण को बराबर मिश्री चूर्ण के साथ गर्म जल के साथ सेवन कराने से लाभ होता है। दोस्तों अगर कफ विकृति के कारण बुखार चढ़ा है, तो कुटकी, हल्दी, मोथा, सौंठ व त्रिफला सभी का क्वाथ बनाकर पिलाने से लाभ हो जाता है। दोस्तों अगर वात विकृति के कारण बुखार चढ़ा है, तो कुटकी, अमलताश का गूदा, पीपला मूल तीनों का क्वाथ पिलाने से वातजन्य ज्वर जो है बुखार ठीक हो जाता है। अगर जीर्ण ज्वर यानी कठिन बुखार जो उतर नहीं रहा है, तो कुटकी, चिरायता, मोथा, पित्त पापड़ा व गिलोय का नियमित कुछ दिनों तक क्वाथ पिलाने से जीर्ण ज्वर भाग खड़ा होता है। इसी तरह दोस्तों अगर बार बार चढ़ने वाला बुखार है, तो कुटकी, खस व नागर मोथे का क्वाथ लाभ करता है। दोस्तों अगर विषम ज्वर यानी मलेरिया बुखार की परेशानी है, मलेरिया बुखार चढ़ा है, तो कुटकी क्वाथ में पीपली चून मिलाकर पिलाने से लाभ होता है। अगर पांडु, कामला, खून की कमी रोग है, तो कुटकी चून को मूली के स्वरस के साथ सेवन कराने से शीघ्र लाभ हो जाता है। अगर हृदय रोग है, तो यह प्रयोग सभी प्रकार के हृदय रोगों में लाभ करता है। इसके लिए कुटकी, पुनर्नवा मूल, चिरायता, सौंठ सभी का क्वाथ बनाकर उचित मात्रा में पिलाने से लाभ होता है। दोस्तों अगर आम वात रोग है, पेट में विषैला रोगकारी कफीय पदार्थ या संग्रह हो गया है, इकट्ठा हो गया है, जिसे आंव कहते हैं, इसे शरीर से बाहर करने के लिए कुटकी चून को गुड़ के साथ सेवन कराने से अद्भुत लाभ होता है। गुड़ के साथ अवले भी बनाकर प्रयोग कर किया जा सकता है। दोस्तों अगर कब्ज रहती है, मल आंतों में रुका है, मल की गांठें बन गई हैं, तो कुटकी चून व मिश्री चून मिलाकर रख लें। आप इस चून को गर्म पानी से उचित मात्रा में सेवन कराने से मल पतला होकर बाहर निकल जाता है और की कब्ज की समस्या में जो है लाभ हो जाता है। दोस्तों अगर अग्निमांद की समस्या है, भूख कम लगती है, तो यह प्रयोग निश्चित ही लाभ करता है और भूख को खूब बढ़ा देता है। इसके लिए कुटकी, सौंठ तथा सौंफ तीनों का चून बनाकर सेवन कराने से लाभ होता है। दोस्तों अगर पेट में वायु यानी गैस का गोला घूमता है, बेचैन करता है, तो कुटकी चून, भुना हुआ सज्जी खार तथा हिंगवाष्टक चून तीनों को मिला लें।
इस चूर्ण को सेवन करने से अपतंत्रक यानी वायु गोला नाश हो जाता है, उनमें लाभ होता है, इससे पेट में रुका हुआ मल भी साफ हो जाता है। दोस्तों अगर मेद रोग यानी मोटापा उसकी परेशानी है, शरीर में भारीपन रहता है, तो दोस्तों कटु रोहिणी चूर्ण तथा त्रिफला चूर्ण मिलाकर शहद के साथ चाटकर गुनगुना पानी पिलाने से लाभ होता है और समस्या भागने लगती है। दोस्तों अगर उरु स्तंभ यानी कि ठोड़ी की अकड़न की समस्या है, जकड़ती है, तो भी कुटकी व त्रिफला चूर्ण मिलाकर शहद से चटाकर गुनगुना जल पिलाने से मल शुद्धि हो जाती है और विकृत वायु शरीर से बाहर निकल जाती है, उसका नाश हो जाता है और बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों अगर जलोदर पेट में पानी भरने की समस्या हो गई है, तो कटु रोहिणी चूर्ण में पुनर्नवा चूर्ण मिलाकर सेवन करने से, उचित मात्रा में सेवन करने से मलमूत्र शुद्धि होकर रोग में आराम मिल जाता है। इसके संयोग से आयुर्वेद की सैकड़ों हजारों रोगनाशक औषधियाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों कुटकी की संपूर्ण जानकारी के लिए तो दोस्तों तीनों भागों को देखें और कुटकी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।